हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिव्यू लेकर के आई हूं क्लीन एंड क्लियर के फॉर्मिंग फेस वॉश का। तो ये किस तरह से काम कर सकता है और कौन से स्किन टाइप्स वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर मेरे पास क्लीन एंड क्लियर फॉर्मिंग फेस वॉश की दो पैकेजिंग है। ये पैकेजिंग है, ये थोड़ी छोटी है, ये है 100 ml की, 3 साल की आपको इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाती है और 117 में आपको ये फेस वॉश मिल जाएगा। ये पैकेजिंग ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये है 150 ml की, 3 साल की ही आपको इसकी भी एक्सपायरी डेट मिल जाती है और ये आपको 141 में मिल जाएगा। इससे दो छोटी पैकेजिंग भी आती हैं, वो एक 30 ml की और एक 15 ml की आती है, वो चाहे तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। फिर मैं बात करती हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो ये धीरे धीरे उन्हें कम करता है। ये आपकी स्किन पर जितनी भी डर्ट है और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकाल देता है। फेस वॉश आपके फेस को एकदम अच्छे से डीपली क्लीन करता है। जैसे कि इसका नाम ही क्लीन एंड क्लियर फॉर्मिंग फेस वॉश है, तो आप थोड़ा सा भी लेंगे तो उसे अच्छे से अपने हाथों पर रब करिए, फॉर्म बन जाता है। और थोड़ा सा फेस वॉश लेने से ही आपके हाथों पर काफ़ी ज़्यादा झाग आ जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फेस पर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे कंट्रोल करता है। अगर आप इस फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं उसे 1 से 2 घंटे तक ये आपके फेस से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे कंट्रोल करके रखता है। और इसको ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है उनको शायद ये पसंद ना आए, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद उनकी स्किन थोड़ी सी और ड्राई हो सकती है। इस फेस वॉश को आप 2 से 3 बार दिन में यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में तो यूज़ करना ही है, उसके बाद अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद यूज़ कर सकते हैं। नाइट में तो फेस वॉश करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि अगर आप नाइट में फेस को वॉश नहीं करेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे, तो इससे आपको धीरे धीरे स्किन प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस फेस वॉश को आप 2 से 3 बार डेली यूज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग वाइज ये कुछ एक ऐसा है, इस तरह से आप इसको ओपन करके निकाल सकते हैं। और स्मेल इसकी बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, ट्रांसपेरेंट कलर है इसका। अगर आप कोई भी अपने लिए ऐसा फेस वॉश देख रहे हैं जिसको अगर आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के यूज़ कर सकते हैं रेगुलर, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए, फेस वॉश का काम क्या होता है कि वो आपकी स्किन को डीपली क्लीन कर दे और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, डर्ट है स्किन पे, से सबको रिमूव करके आपकी स्किन को क्लियर कर दे। तो फिर इस ये काम ये बहुत ही अच्छे से करता है। मेरा फेवरेट फेस वॉश है, मैं 2 साल से कंटिन्यू इसी का यूज़ कर रही हूँ। इससे मुझे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं, जबकि मेरी भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम रहती है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जेल बेस में है ये, आपने और जेल बेस में फेस वॉश देखे होंगे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप फेस को वॉश करते हैं फेस वॉश से, उसके बाद आप पानी से कितना भी फेस को वॉश कर लीजिए, लगता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे फेस वॉश रह गया है, अच्छे से निकला नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही इजीली निकल जाता है, आपकी स्किन को बिल्कुल ही क्लीन कर देता है। तो फिर दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। और इस फेस वॉश का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अगर कोई इसे यूज़ करना चाहता है तो बेझिझक कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक बार यूज़ करके छोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।